बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, इंडस टोयोटा कोरोला 2001 मॉडल 1.3 आपको गाड़ी मिल जाती है, एससी लिमिटेड एडिशन, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको गाड़ी मिलती है। ये गाड़ी फॉर सेल। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 9,80,000 इसकी फाइनल डिमांड बताई गई है। गाड़ी लाहौर की रजिस्टर्ड है, काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी। अब इंशाल्लाह इस गाड़ी का डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर गाड़ी का किस तरह का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी प्रोफाइल आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती है। अगर इसकी बॉनेट की बात की जाए, आपको बॉनेट आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलता है और इसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग वगैरह चीज़ मिल जाती है, जिससे गाड़ी की लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग आ रही है। इसके ऊपर आपको वाशर मिल जाते हैं। अगर इसकी राइट साइड की फिंडर की बात की जाए, आपको फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है। फिंडर के मिडम में आपको एक लेयर सी दी जाती है जो कि फ्रंट से बैक साइड तक आपको मिल जाती है, जिससे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अगर इसकी फ्रंट स्क्रीन की बात की जाए, फ्रंट स्क्रीन आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती है। साइड में आपको एल्यूमिनियम के गोले मिल जाते हैं। अगर साइड मिरर की बात की जाए तो आपको साइड मिरर इलेक्ट्रिक मिलते हैं, आप इन्हें अंदर से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। विंडोज़ के पैनल्स आपको ब्लैक मिलते हैं, ऊपर आपको सनशाइन आफ्टर मार्केट इसके ऊपर मिल जाते हैं। विंडोज़ के चारों जानेब आपको एल्यूमिनियम की ट्रिमिंग भी दी जाती है। अगर विंडोज़ के हैंडल्स की बात की जाए, आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन बॉडी कलर की तरह आपको सेम मिल जाते हैं। विंडोज़ की मिडम में आपको रबड़ी नुमा गोले जो कि दरवाजे को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। नीचे फिन बोर्ड विंडोज़ वगैरह आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाते हैं। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए, इसके अंदर आपको हेडलाइट्स काफ़ी ग्लासेस नुमा इसकी हेडलाइट्स मिलती हैं, जिसके ऊपर आपको तीन लेयर्स ही मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको लो आई बीम का बल्ब, इसके अलावा आपको अंदर इसकी क्रोम की शीट दी जाती है। मिडम लाइट्स के अंदर आपको जस्ट इंडिकेटर दिया जाता है और नीचे आपको इसके वाइट इंडिकेटर दिए जाते हैं। विंडोज़ के सॉरी फ्रंट ग्रिल की अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक ग्रिल दी जाती है और ऊपर आपको क्रोम का टोयोटा का लोगो। बम्पर आपको डिसेंट सेट मिल जाता है, जिसके नीचे इंडिकेटर जस्ट आपको मिलते हैं वाइट। डबल ग्रिल आपको मिल जाती हैं और नीचे आपको एक ब्लैक कलर की लेयर भी दी जाती है, लेकिन जस्ट वो वहाँ पर आपको लेयर दी जाती है जिस मॉडल के अंदर आपको वाइट कलर मिलता है, उसके अंदर आपको ब्लैक लेयर दी जाती है। इसके अलावा आपको इस कलर के अंदर आपको जस्ट एक ही कलर मिल जाता है, इसके अंदर आपको ब्लैक वाइट या कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, जस्ट एक कलर के अंदर आपको ब्लू कलर के अंदर आपको मेटालिक ब्लू कलर के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। अब इसकी प्रोफाइल आप लोगों ने देख ली, कुछ इस तरह की आपको इसकी प्रोफाइल मिलती है। अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखी जाए तो कुछ इस तरह की आपको गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल लगेगी और काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह, और काफ़ी नीट एंड क्लीन और टोटली आपको जेन्युइन मिलती है, कहीं से गाड़ी आपको शावर नहीं मिलती। मैं अगर इसकी बंपर की बात की जाए, इसके बंपर में आपको 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन इसके अलावा जितने इसकी बॉडी के पैनल्स हैं, फ्रंट है, साइड हैं, पैनल्स हैं, ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल मिल जाती हैं। अगर इसकी लेफ्ट साइड की फिंडर की बात की जाए, आपको लेफ्ट साइड के फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, ऊपर आपको इसकी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं मिलते, ना ही कोई आपको इसके ऊपर डंड मिलता है। बम्पर के ऊपर भी आपको कोई स्क्रैच या रंग उतरा हुआ आपको नहीं मिलता। इसकी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर इसकी बात की जाए विंडोज़ के पैनल्स की, फ्रंट की, लेफ्ट साइड की, तो बिल्कुल ओके हैं, विंडोज़ के पैनल भी परफेक्ट हैं और लेफ्ट साइड की विंडोज़ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं जी इसके बैक साइड की। तो अगर इसकी लेफ्ट साइड की बात की जाए, तो फिंडर के अंदर आपको जस्ट एक एंटीना दिया जाता है जो कि गाड़ी की स्विच ऑन होने, जब आप गाड़ी की स्विच ऑन करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली इसका एंटीना अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है, जस्ट आप लोगों ने काफ़ी गाड़ियों में देखा होगा। बैक साइड की विंडोज़ के ऊपर आपको एल्यूमिनियम के गोला दिया जाता है, इसके अंदर आपको डबल जस्ट वूफर मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई ब्रेक लैंप आपको नहीं दिया जाता। इसके अलावा आपको इसके अंदर फ्यूल का ऑप्शन दिया जाता है, कुछ इस तरह का आपको इसका फिंडर मिलता है। अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए ट्रंक की, तो आपको ट्रंक काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको एससी लिमिटेड का लोगो, जस्ट मिडम में टोयोटा का। अगर इसकी टेल लाइट्स की बात की जाए, इसके अंदर आपको टेल लाइट्स काफ़ी ज़बरदस्ती दी जाती हैं, जिसके नीचे आपको ब्रेक लाइट, ऊपर इंडिकेटर, मिडम में क्रोला की आपको बेजिंग और नीचे आपको डिसेंट्स आपके इसके अंदर मिल जाता है बम्पर। अगर इसकी राइट साइड की बात की जाए फिंडर की, तो राइट साइड के फिंडर भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, कोई आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिलते। अगर इसकी रूफ़ की बात की जाए, तो रूफ़ भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, दोनों तरफ आपको एक लेयर सी मिल जाती हैं, जिससे गाड़ी के ज़रा सा रूफ़ काफ़ी अमेजिंग लगता है। इसके अलावा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको रूफ़ मिलता है, फिंडर ओके, की विंडोज़ परफेक्ट और ट्रंक, हर चीज़ आपको परफेक्ट मिल जाती है। यहाँ पर जस्ट ज़रा सा आपको बम्पर के ऊपर स्क्रैच मिलेंगे जो कि मामूली से आपको मिलेंगे, इसके अलावा बिल्कुल परफेक्ट इसकी बैक साइड की प्रोफाइल है। अब बात करते हैं विंडोज़ के जो मिडम में पैनल्स आ जाते हैं, जिसे हम गाड़ियाँ भी कह देते हैं, तो इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर गाड़ी का लॉक अनलॉक होता है, वहाँ पर ज़रा सा यहाँ पर आपको इसके ज़रा सा स्क्रैच मिलता है, इसके अलावा बिल्कुल टोटली जेन्युइन।
विंडोज के मिडम में आपको इसकी प्लास्टिक की कवर भी दिए जाते हैं। या इसके विंडो के गत्ते कुछ इस तरह के आपको विंडोज के गत्ते मिलेंगे। इसके अंदर आपको पावर बटन मिलते हैं, फ्रंट का ऑटो, 3 मैनुअल, ऊपर आपको लेदर, मिडम में आपको जस्ट रगजीन सी दी जाती है, नीचे भी जस्ट रगजीन सी, ऊपर आपको ब्लैक कलर के आपको हार्ड प्लास्टिक के इसके लॉक अनलॉक के बटन दिए जाते हैं। ये आ गया कुछ इसका इंटीरियर। इंटीरियर वाइज बात कीजिए तो आपको जस्ट एक कलर के अंदर आपको इंटीरियर मिलता है और कुछ इस तरह का आपको मिलता है। पहले बात कर लेते हैं जी इसकी स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग आपको काफ़ी डिसेंट मिलता है। ऑटो मर्गिस के ऊपर इन्होंने ये लगा रखा है कवर सा। इसके अलावा मिडम में टोटे का लोगो, हॉर्न का बटन। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको जस्ट स्पीडोमीटर मिलता है, आरपीएम मीटर नहीं मिलता, टेम्परेचर, फ्यूल गेज। मिडम में आपको इसके एसी के इवेंट्स मिलते हैं, साइड में घड़ी, छोटे से ऑटो मर्गिस के अंदर MP3 सिस्टम, ब्लूटूथ वगैरह लगा रखा है इन्होंने। नीचे आपको एसी की मैनुअल बटन्स, छोटी सी स्पेस, 5th स्पीड आपको मैनुअल गाड़ी मिलती है। इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त सा मिल जाता है। इसके अगर डैशबोर्ड की बात की जाए आपको लेदर का डैशबोर्ड मिलता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ऊपर थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है, नीचे थोड़ी सी स्पेस। विंडोज़ फ्रंट विंडोज़ के अंदर आपको इसके स्पीकर भी दिए जाते हैं जो कि इन मॉडल्स के अंदर आए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। नीचे हार्ड प्लास्टिक, पावर बटन्स, हैंडल्स और कुछ इस तरह का आपको अंदर से इंटीरियर मिलता है। अगर सीट्स वाइज बात की जाए तो 75% सीट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, जेन्युइन सीट्स हैं। लेकिन ज़रा सा यहाँ पर आपको ज़रा सा आपको थोड़ा बहुत आपको मिलेंगी, ज़रा सी रफ यूज़ हुई, इसके अलावा बिल्कुल परफेक्ट हैं। नीचे इसके परफेक्ट क्योंकि गाड़ी डिटेल वाइज डिटेलिंग की गई है तो काफ़ी इंटीरियर वाइज गाड़ी लश पश माशाल्लाह नज़र आ रही है। इसका आम रेस्ट हो गया, ये कुछ आ गया इसका इंटीरियर। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इंजन रिम इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, फ्रंट की पट्टी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से आपको डैमेज नहीं मिलती। फर्स्ट ओनर के नाम पे गाड़ी है, बरवाल 1300 cc आपको इसके अंदर इंजन मिलता है और 2001 मॉडल के अंदर आपको इस तरह के इंजन मिलता है, नहीं तो 2001 मॉडल के अंदर एक दूसरा वर्जन आया जो कि सलोन मॉडल्स है, उसके अंदर आपको 16 valve मिलता है, उसके अंदर आपको सनरूफ मिलता है, इंटीरियर रेड मिलता है। लेकिन इस मॉडल के अंदर 2001 मॉडल के अंदर आपको 12 valve इंजन कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, AC हीटर हर चीज़ परफेक्ट आपको मिलती है। यहाँ पर आपको इसका मैं इंजन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की आपको कंडीशन मिलती है। आफ्टर मार्केट के अंदर सिंजी किट वगैरह भी लगा रखी है उन्होंने और ये सही जगह पर इंस्टॉल नहीं की, अगर यहाँ पर की जाती तो काफ़ी परफेक्ट थी, लेकिन उन्होंने ये फ्रंट के ऊपर जिस गाड़ी का ज़रा सा इंजन रूम इतना अच्छा खासा नहीं लुक लग रही। अगर सही फिटिंग की जाए तो इंजन अच्छा खासी इसके अंदर से प्रोफाइल, इसके अलावा टोटली आपको जेन्युइन मिलती है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आगे इसके टायर्स, इसके अंदर आपको टायर्स मिलते हैं 75% ओके, अलायरम इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। ब्रांड के अगर टायर्स की बात की जाए तो डनलॉप के आपके इसके अंदर टायर्स मिलते हैं और SV स्पोर्ट 460 या 90 इस तरह का कुछ है और डनलॉप के आपके इसके अंदर टायर्स मिलते हैं और 75% ओके हैं। अंदर से फ्रेम, वायर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर हर चीज़ आपको परफेक्ट मिलती है, फिन बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से आपको गाड़ी रस्टी नहीं मिलती और पेंट कलर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये था आज का रिव्यू, टोयोटा करोला 2001 मॉडल, 12 valve इंजन इसके अंदर आपको मिलता है, प्राइस 9,80,000 इसकी फाइनल डिमांड बताई गई है। इसके अलावा लाहौर की गाड़ी रजिस्टर्ड है। अगर आप में से कोई बंदा भी इंटरेस्ट रखता है गाड़ी बाय करने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे FB के ऊपर, फाक लोग पेज के ऊपर आप मुझे जस्ट मैसेज कर दें, मैं ओनर के आपको साथ ओनर का आपको नंबर भी दे सकता हूं, नहीं तो आपको FB ID भी दे सकता हूं और उनसे आप डीलें वगैरह कर सकते हैं। मेरा था जो काम था वो आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना था, काफ़ी ज़बरदस्त मुझे गाड़ी लगी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। फैमिली के लिए बेस्ट गाड़ी है तो जिसके पास भी थी अल्लाह पाक उसे नसीब करे, काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी है। तो आखिर आज के लिए इतना ही, अपने बाइक को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।